हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंपटीशन मंत्र। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट समरी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ क्लास थर्ड टू क्लास फिफ्थ एंड इट्स पेडागॉजी। देखिए बच्चों, आज से हम जो है समरी ऑफ जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स है क्लास थ्री टू क्लास फाइव की, वो हम कम्प्लीटली जो है इसमें डिस्कस करेंगे विद स्पेशल बुलेट पॉइंट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको सीरियसली कंसिडर कीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो है क्लास थ्री की कंप्लीट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक की एनालिसिस की हुई है। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट। जिगसॉ पजल इज दैट पजल इन विच अ पिक्चर इज पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड एंड कट इट into unequal parts and give that cutting to the students। ये एक जिग्सॉ पजल, एक इस तरह की पजल होती है। इसमें पहले क्या होता है, एक कार्डबोर्ड पे पहले एक पिक्चर ड्रॉ की जाती है, रेंडमली कोई भी पिक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको अनइक्वल पार्ट्स में जो है कट कर देते हैं टीचर, और फिर इसको कटिंग को जो है स्टूडेंट्स को दे दी जाती है, ताकि वो जो है कटिंग स्टूडेंट्स आपस में मर्ज कर सकें और पिक्चर को एग्जैक्टली बना सके। जैसा कि आप वीडियो में भी लाइव देख रहे होंगे कि इस साइड जो है ये जो है हमारी ये जो है जिग्सॉ ये पजल है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन हांगकांग स्नेक डिश इज फेमस, इट इज आल्सो नोन एज लिंग हु टेन, इट इज आल्सो नोन एज लिंग हु टेन। तो स्नेक डिश जो है हांगकांग में ये बहुत ही फेमस डिश है, और ये जो है लिंग हु टेन के नाम से भी जानी जाती है, राइट। नेक्स्ट वन इज द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। देखिए ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस बार जो है सीटेट में 2019 में ये जो है पॉइंट आया था, इससे क्वेश्चन आया था, और मोस्टली बच्चे जो है इसमें कन्फ्यूज थे, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था क्रो का, राइट। तो इसमें जो है मोस्टली बच्चों ने जो है क्रो सिलेक्ट किया था, बट द आंसर इज मैना। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखिए बच्चों, ऐसा होता है आउल जो है वो मतलब अपनी गर्दन को 360 घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है, बट मैना जो है एकदम से झटके से घुमाती है, राइट। लिखा हुआ है इसमें विद अ जर्क, झटके से घुमाती है, एकदम से घुमाती तो वो भी पीछे तक है पर झटके से घुमाती है। नेक्स्ट वर्ड इज रेट्स हैव पुअर आई साइट, रेट्स की जो है आई साइट पुअर होती है। नेक्स्ट, इन कश्मीर फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल एंड इन गोवा फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। ये भी पॉइंट जो है बच्चों इस बार के सी टेट 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केरला बॉइल्ड टपोइका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट ऑयल इज फेमस। केरला में जो है बॉइल्ड टपोइका एक इनकी स्पेशल डिश है, जो कि करी के साथ किसी भी दाल के साथ ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोकोनट ऑयल में बनी हुई होती है। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, लुइस ब्रेल एक जो वो थे जिन्होंने जो है लुइस ब्रेल एक तरह से जिसमें जो ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं उनके लिए ये बना गया था बेसिकली। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, ये जो स्क्रिप्ट होती है बेसिकली पढ़ने के लिए ये 6 पॉइंट्स के ऊपर ये बेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्लियर, पहले टाइम में पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले, जो बर्तन बनते थे वो स्टोन के पत्थर के बनते थे और क्ले के बनते थे, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन असम हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स एट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। ये भी पॉइंट जो है इसी बार कवर हुआ है हमारे सी टेट 2019 में, सो इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड, राइट। नेक्स्ट वन इज इन मनाली हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन और वुड, मनाली में जो है हाउस जो है बनते हैं स्टोन के और वुड के, सेम पॉइंट ये भी जो है 2019 में सीटेट में कवर हो चुका है। इन राजस्थान
हाउसेज आर मेड अप ऑफ विद मड्स एंड रूफ्स आर मेड अप ऑफ विद थॉर्नी बुशेस. सॉरी, राजस्थान में जो है हाउस जो है वो मड से बने होते हैं, पर रूफ उनकी छतें जो हैं बुशेस से बनी होती है, कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती है. इन असम बैम्बू ब्रिज इज यूज्ड. असम में जो है बैम्बू ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है. असम में एक बेसिकली एक डांस होता है बिहू, राइट, वो भी जो है इस बार सीटेट में कवर हो चुका है, तो आप इसको भी थोड़ा अपने ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट वन इज इन लद्दाख ट्रोली इज यूज. लद्दाख में जो है क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा मतलब दुर्गम रास्ते हैं, तो उसमें जो है ट्रोली का ही वो इस्तेमाल करते हैं एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए, या कोई नदी स्पेशल कोई बड़ी नदी है उसको पार करने के लिए. इन केरला अ स्मॉल वुडन बोट वल्लम इज यूज्ड. केरला में एक स्मॉल वुडन स्पेशल बोट होती है उनकी वल्लम, जो कि यूज़ की जाती है. सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.